ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में बुधवार को 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले विकराल चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण भारी तबाही हुई है और कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। चक्रवात दोपहर बाद करीब 2:30 बजे पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच तट पर पहुंचा। चक्रवात के कारण तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि बुधवार देर रात तक मिली जानकारी के अनुसार कम से कम 12 लोगों की जान गई है। कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में पहुंच नहीं बन सकी है, इसलिए नुकसान का वास्तविक आकलन गुरुवार को ही हो सकेगा। सीएम ममता ने कहा कि हम कोरोना महामारी से ज्यादा नुकसान इस चक्रवात के कारण झेल रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि एक तरफ हम कोविड-19 के साथ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ लाखों प्रवासी वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यह अम्फान कोविड-19 की तुलना में एक बड़ी आपदा है। मैं अनुरोध करूंगी कि केंद्र कृपया राजनीति को भूल जाए और हमारे साथ काम करे और लोगों को बचाए। अम्फान की वजह से बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, वहीं कच्चे मकानों को भी खासा नुकसान हुआ है। चक्रवात आने से पहले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कम से कम 6,58,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल तट पर पहुंचने के समय चक्रवात के केंद्र के पास हवा की गति 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे थी। उत्तरी 24 परगना जिले में पेड़ उखड़ने से एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई। वहीं हावड़ा में इसी तरह की एक घटना में 13 वर्षीय लड़की की भी मौत हो गई। ओडिशा में अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF के महानिदेशक SN प्रधान ने नई दिल्ली में कहा कि ओडिशा में 20 टीमों को तैनात किया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल में 19 यूनिट को तैनात किया गया है। ओडिशा में NDRF की टीमों ने सड़कों को साफ करने का अभियान शुरू कर दिया है, वहीं पश्चिम बंगाल में तैनात टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 5,00,000 लोगों को और ओडिशा में करीब 1,58,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चक्रवात के कारण ओडिशा के पुरी, खुर्दा, जगतसिंहपुर, कटक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, गंजम, भद्रक और बालासोर जिलों के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों में 5 मीटर तक का ज्वार उठा, जिससे काफी दायरे में आने वाले क्षेत्र जलमग्न हो गए। पश्चिम बंगाल में आज तेज हवाएं और बारिश के जारी रहने का अनुमान है। असम और मेघालय में भी बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में नदिया और मुर्शिदाबाद पार करने के बाद देर रात तक चक्रवाती तूफान के कमजोर होने की उम्मीद है। बाद में इसके कम दबाव का क्षेत्र बनने की भी संभावना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपने सुझाव और सवाल हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।